नमस्कार मित्रों, सीएससी बिजली की तरफ से रेगुलर अपडेट में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ईमेल आईडी या जीमेल आईडी कैसे आप बनाते हैं, क्या उसका काम है, उसे क्या क्या कर सकते हैं आप जो है, और कैसे बनेगा। मित्रों, मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, हमारे पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा मित्रों, कि हमारे जीवन में कितना ही उपयोगी है मेल आईडी का होना। मित्रों, ये मेल आईडी कैसे बनती है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, मित्रों पूरा मैं इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूँ, पूरा मैं करके दिखा रहा हूँ। मित्रों, हमारे पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और मित्रों, यदि हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मित्रों, यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे आने वाली जो भी हमारी वीडियो हैं, उस वीडियो के माध्यम से और भी नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले मित्रों, आप अगर मोबाइल से खोल रहे हैं या फिर लैपटॉप या सिस्टम से खोल रहे हैं, तो आप एक अपना पेज मतलब गूगल क्रोम में या ओपेरा में या किसी भी अन्य शोलर में एक पेज ओपन कर लीजिए। ब्लैंक पेज में मित्रों जो है आपको लिखना है account.google.com। मित्रों, account.google.com को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मित्रों इस तरह से एक पेज खुल करके आ जाएगा। इसका लिंक मित्रों मैं जो है अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक दे दूंगा। मित्रों, सबसे पहले यहां पर लिखा रहता है, नाम लिखना होता है। मित्रों, आपको कोई भी अकाउंट आप बनाते हैं जीमेल का, तो यहां पर आप नाम लिखते हैं। तो मित्रों, मैं बताने जा रहा हूं आपको कि जीमेल कितना उपयोगी है। तो मित्रों, जीमेल आईडी जो है या मेल आईडी आपकी, कोई भी आप नया मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में आपको फिट करना होता है। फिट कर देते हैं तो मोबाइल गायब हो जाने के बाद उस मोबाइल से ट्रेस हो जाता है कि आपका मोबाइल कौन चला रहा है, कहाँ पर चला रहा है, आपसे कितनी दूरी पर है। मित्रों, सारा लोकेशन मिल जाता है। इसको अलावा मित्रों, डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान करने के लिए, यानी मित्रों कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास, मार्कशीट है, डॉक्यूमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, उसको आप अपने मित्र के पास भेजना होता है या प्रिंट आउट कहीं और पर लेना होता है। जैसे मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं और आपको दिल्ली में कागज़ भेजना है, तो मेल आईडी के माध्यम से बड़े आसानी से भेज देते हैं। दूसरे फायदे की चीज़ मित्रों, कि मेल आईडी होने से जो है, जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें एक बार भेज देते हैं वो हमेशा के लिए सेव हो जाता है। जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो वहाँ से आप प्रिंट आउट मार लेंगे। तो मित्रों, आपका यहाँ जो भी नाम हो, मैं एक डेमो नाम डाल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मित्रों, मान लीजिए आपने फर्स्ट नेम डाल दिया बाल्मीक, लास्ट नेम डाल दिया सिंह। अब मित्रों, यहाँ पर देखिए हिंट मिल रहा है कि बाल्मीक सिंह ये मेल आईडी आप बनाना चाहते हैं या आपके नाम के हिसाब से बन जाएगा। बाल्मीक सिंह 582 ये मेल आईडी खाली है। लेकिन मित्रों, अगर आप कुछ आप और बनाना चाहते हैं तो कुछ और भी बना सकते हैं। लेकिन मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि मेरी तरफ से ये सलाह है कि मेल आईडी जितना ही छोटा बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। मित्रों, मेल आईडी का जो अंक होता है वह 6 से ज़्यादा ना हो। 6 से ज़्यादा अंक होने पर मित्रों, मेल आईडी को बोलने में या काम करने में थोड़ी परेशानी होती है, बताने में परेशानी होती है। और मित्रों, 6 से यदि कम रहता है तो मेल आईडी नहीं बनती है। यानी मित्रों, कम से कम आपको 6 अंक डालने ही हैं। तो मित्रों, मैं यहाँ पर डेमो के तौर पर जो है एक मेल आईडी का मैं नाम डाल रहा हूँ। देखिए मित्रों, मैंने Fino11 लिखा। मित्रों, ये मेल आईडी खाली है। इस तरह से मित्रों, आपके ज़रूरी नहीं है कि आपके नाम से ही वही चीज़ हो। मित्रों, आप अदर भी कोई नाम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन मित्रों, जितना ही छोटी मेल आईडी होगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब मित्रों, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। मित्रों, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं उस पासवर्ड को बना लीजिए। जैसे मित्रों, मैंने देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक डेमो आईडी बनाने का पूरा मैं प्रयास कर रहा हूँ। और देखिए मित्रों, इसके करने के बाद यहाँ पर यूजर नेम Fino11 नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई टेक्निकली दिक्कत है। तो मैं यहाँ पर दोबारा प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मित्रों, मैंने Fino GKP कर दिया तो यह ऑप्शन आगे बढ़ गया। और जो है अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जिस पर OTP जाएगा। तो मैंने उदाहरण के तौर पर जो है एक मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। मित्रों, इस तरह से आपको भी अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। अब देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करते ही जो है देखिए मित्रों, OTP आ गया। OTP मित्रों जो भी आया हुआ है हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा।
यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक किया मित्रों। वेरीफाई करते ही देखिए मित्रों, यहाँ पर जो है एक रिकवरी मेल आईडी का ऑप्शन आ गया कि मित्रों जिनको आप जानते हो, जो उनका मेल आईडी पहले से बना हुआ है, उनका यहाँ पर जो है एक मेल आईडी डालना पड़ेगा। ये मेल आईडी मित्रों डालेंगे, डालने के बाद मित्रों यहाँ पर अदर डिटेल्स भी डालने हैं। तो मित्रों जो भी आपके मित्र हों, साथी हों, उनका यहाँ पर आप एक मेल आईडी डाल दीजिए। मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ एक मेल आईडी डाल रहा हूँ। अब देखिए मित्रों, डालने के बाद मित्रों यहाँ पर जो है डेट डालना है। आप मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपकी उम्र का ध्यान रखिएगा, जो आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हो ये वही डालिएगा। इसको मित्रों चयन करना है। अब मित्रों यहाँ पर जेंडर पर सेलेक्ट करना है आपको कि आपके जेंडर क्या है, जेंडर मतलब लिंग क्या आपका है, फीमेल है, मेल है, या फिर बी से कुछ और हैं। तो मित्रों मेल पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मित्रों देखिए यहाँ से नेक्स्ट करना है। देखिए मित्रों नेक्स्ट करते ही जो है यहाँ पर स्काइप आई इनकमिंग का ऑप्शन आ गया। अब मित्रों यहाँ पर आई एक्सेप्ट मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही मित्रों जो है देखिए एक फॉर्म यहाँ पर खुल करके आ गया, जो कि हमको इसको पढ़ लेना है, पढ़ करके इसको समझ लेना है। अब मित्रों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मोर ऑप्शंस, मतलब मित्रों सब कुछ मैंने देख लिया, मुझे कुछ देखना बाकी नहीं रह गया। अब मित्रों मुझे जो है यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। तो मित्रों मैं आई एग्री पर क्लिक कर दिया। देखिए मित्रों मेरा जो है जीमेल आईडी अब क्रिएट हो रहा है। और देखिए मित्रों मेरी जीमेल आईडी क्रिएट हो गई। यहाँ पर आ गया वेलकम बालबिंग सिंह मैनेजर इन्फो पॉलिसी सिक्योरिटी। देखिए मित्रों खुल करके आ गया। इस तरह से मित्रों आपकी जीमेल आईडी खुल करके आपके डिस्प्ले पर आ जाएगी। अब मित्रों ये मेरी मेल आईडी कंफर्म हो गई है। अब यहाँ पर यूज जो करना है, जो भी चीज़ें हैं, सारी डिटेल्स खुल करके यहाँ पर शो हो रही हैं। अब मित्रों इसको खोलने के लिए जो है जो भी चीज़ें हैं कंफर्म हो गई। अब मित्रों आपको मेल आईडी अपनी अगर खोलनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब मित्रों यहाँ से आपको जो है आइकॉन्स अपना बदलना है, आपका फोटो लगाना है, लोगो लगाना है, प्रोफाइल पे जो भी करना है। अब मित्रों यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मित्रों यहाँ पर दिया हुआ सेलेक्ट फोटो फ्रॉम द योर कंप्यूटर। मित्रों यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मित्रों कंप्यूटर में कोई आपका फोटो यदि है, कोई सीनरी है, तो मित्रों उसे आपको लगाना है। उदाहरण के तौर पर मित्रों जो है अगर मेरे कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है या कुछ है तो मैं यहाँ पर लगा दूँगा। मेरे पास मित्रों देखिए एक मैं लोगो लगा दे रहा हूँ। मैं इसे जब चेंज करना होगा तो मैं चेंज कर लूँगा। अभी मेरे सिस्टम में मेरा फ़ोटो नहीं है। अब मित्रों देखिए मैंने यहाँ पर जो है इसे लगा दिया, CSC मैंने लगा दिया। मैंने इसे जो है सेट कर लिया। अब मित्रों मेरे प्रोफाइल में सेट हो गया हमारे गूगल अकाउंट में। इस तरह से मित्रों आपको भी अपना गूगल अकाउंट बनाना होगा। देखिए मित्रों यहाँ पर जो है गूगल अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया और सेट हो गया। तो मित्रों इस तरह से आप भी अपना जीमेल आईडी बना लेंगे आसानी से। यदि कोई देखिए मित्रों मेरी मेल आईडी ये खुल चुकी है। और इस तरह से आप ओके पर क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। देखिए मित्रों जो है एक जीमेल की तरफ से आप पर वेलकम का एक मैसेज आप पर आ गया। अब मित्रों इन सारी चीज़ों को जो है आप चॉइसेस में कर देंगे और आपकी मेल आईडी जो है सेव हो गई और क्रिएट हो गई, चालू हो गई। तो मित्रों इस तरह से आपको भी करना है। मित्रों इसको करने में कोई भी परेशानी यदि आपको आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो मित्रों हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मित्रों मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। देखिए मित्रों जो यह वेलकम आया हुआ है कंपनी की तरफ से, देखिए मित्रों ये वेलकम है।
अभी तक केवल एक मेल बॉक्स है, बाकी मित्रों सारे मेल सभी खाली हैं। अगर मित्रों आपको किसी को मेल लिखना है या मेल भेजना है तो देखिए मित्रों यहाँ पर कंपोज लिखा हुआ है। मित्रों आप कंपोज पर क्लिक करेंगे, जिसको भी मेल भेजना है मित्रों वहाँ पर मेल आईडी डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, यहाँ से कोई फाइल अटैच करेंगे, अटैच हो जाएगी और मित्रों आप मेल भेज देंगे। यदि मित्रों कोई भी मेल आईडी बनाने के बाद आपको कार्य करने में दिक्कत आती है तो मित्रों हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मित्रों यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मित्रों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मित्रों इस तरह की जो भी नई नई वीडियो हम लेकर के आते हैं वो आपको मिलती रहें। मित्रों नमस्कार।